विष्णुपुरी के झरी में पेश आए अफसोसनाक हादसे ने सभी को झिंझोड़ कर रख दिया है। हादसे में 4 नौजवानों की डूबने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद झरी परिसर में जिला इंतजामिया की ओर से एहतियाती इकदाम उठाने और मरने वाले नौजवानों के परिवार को आर्थिक मदद फराहम करने की मांग वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से की गई। इस सिलसिले में आज वंचितों के कायद फारूक अहमद की क्यादत में एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात कर इन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया। इस वफद में शहर अध्यक्ष अय्यूब खान, विठल गायकवाड़, एडवोकेट शेख बिलाल, अफजल मोमिन, मोहम्मद सादिक, जफर जलाल, सरफराज व दीगर मौजूद थे। हाल ही में यूनिवर्सिटी के पीछे झरी के पास में जो एक खाई बन गई है, जहां पर नौजवान तैरने के लिए जा रहे हैं लेकिन हादसे हो रहे हैं। जो जीव रक्षक दल के नूर भाई है, उनसे जो इतला मिली कि पिछले कुछ सालों के अंदर 40 से ज़्यादा डेड बॉडी उन्होंने कहा कि वहाँ से उन्होंने निकाले हैं कुछ बरसों में। अगर वो पॉइंट इतना डेंजर हो चुका है तो पहले तो उसकी वजूहत क्या है। जो जानकारी हमको मिली है कि वहाँ पर जो उत्खनन होता है, जो खुदाई होती है, उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए वाले हैं और उसकी वजह से जो बच्चे तैरने जाते हैं वो उसके चक्र में आने से डूब जाते हैं और वो बच्चे को बचाने के लिए दूसरे लोग गए और उसमें उनकी भी बहुत ही अफसोसनाक मौत हुई है। तो किसी भी वालदैन को जब बच्चों को जवान करके पाल पोस के जवान करने के बाद में उनकी लाशें उठाने का बोझ दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है और वो माँ बाप को ज़िंदगी भर अफसोस रहता है कि जवानी में उनके बच्चों को उन्होंने खो दिया है। अगर ये हादसा एक ही होता, एक ही बार हुआ होता तो हादसा होता, लेकिन जब बार बार उस जगह पर हादसा हो रहा है तो ज़िला प्रशासन उसकी अनदेखी क्यों कर रहा है। हमने जिला प्रशासन को कहा है कि वहाँ पर एक तो वॉल कंपाउंड ले लें, गेट डाल दें, लोग वहाँ जाना नहीं चाहिए, और अगर वहाँ पे लोगों को जाना ज़रूरी है और तैरना ज़रूरी है तो जीव रक्षक दल की तैनाती वहाँ पर करें और जीव रक्षक दल वहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ पे किसी को भी जाने से पाबंदी करनी चाहिए। ऐसे ही अर्धापुर जाते वक्त में अच्छा रास्ता लगता है और अचानक ख़राब रास्ता चालू होता है। वहाँ पर हमारे पार्टी के जिम्मेदार यूसुफ भाई के और उनके पड़ोस के 2 बच्चों का डेथ हाल ही में हुआ था और वहाँ पर जब हमने मौत का कुआं का बोर्ड लगाकर आंदोलन किया तो प्रशासन ने तब थातुर मातुर तरीके से तुक्का पॉलिश करके मुरुम रूम डाल के रास्ता बना दिया था, लेकिन बारिश की वजह से वो फिर उखड़ने से आज वापस वो मौत का कुआं बन गया है। तो जो झरी के पीछे का पॉइंट हो गया, ये रास्ता हो गया, ऐसे जहाँ जहाँ पर भी मौत के कुएँ बने हुए हैं वहाँ पे डेड पॉइंट्स बने हुए हैं, उनकी जांच करके प्रशासन ने उसके ऊपर कोई तो एहतियातन कदम उठाना चाहिए और जो बच्चों का इंतकाल हुआ है उस अफसोसनाक हादसे में उन बच्चों को मुख्यमंत्री सहायता निधि के जरिए उनके फैमिली को कुछ मदद होनी चाहिए और जो उस खनन के लिए, खोदने के लिए, गड्ढे करने के लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर FIR भी होनी चाहिए। अगर ये 2-3 दिन के अंदर प्रशासन ने कदम नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में हम खुद कोर्ट के जरिए जाकर उन जिम्मेदारों पे या महानगर पालिका के ऊपर मामला दर्ज कराएंगे और कलेक्टर और कमिश्नर को आरोपी बनाकर उस पर हम केस दर्ज कराएंगे।